आजादी के आदर्शों को समझे और बयां करे। नमस्कार दोस्तों, जय भीम, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर कर रहा हूं। आप सभी से निवेदन है, थोड़ा गंभीरता से चिंतन करिए। जैसा कि विपक्ष हमेशा बोलता है कि बीजेपी का एक गुप्त एजेंडा है, बीजेपी का गुप्त एजेंडा है, आरएसएस का गुप्त एजेंडे पर बीजेपी काम करती है। लेकिन जैसे ही देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में एक भाषण दिया था, वो भाषण उन्होंने क्या दिया था उसे मैं अभी थोड़ी देर से दिखाऊंगा। लेकिन जो उनका भाषण था, उस भाषण में उन्होंने जो स्पष्ट की थी उन्होंने बातें कि देश का संविधान ही भारत सरकार का राष्ट्र ग्रंथ होगा और भारत की जो सरकार है उसकी जो पूजा है वो नागरिकों की जन कल्याण की योजनाएं, नागरिकों के विकास की योजनाएं, नागरिकों का विकास करना ही सरकार की पूजा है। इंडिया फर्स्ट का नारा दिया था देश के प्रधानमंत्री ने और धर्म को उन्होंने संविधान के अनुसार काम करने पर पूरा फोकस किया था। उनका पूरा मैं भाषण सुनाऊंगा, लेकिन मैं यह सब क्यों बता रहा हूं और यह बताने की आवश्यकता क्यों पड़ गई, यह बताने की आवश्यकता इसलिए पड़ी है, देश का मीडिया तो कभी ऐसे मामलों पर कोई विचार नहीं करता, देश का मीडिया आम नागरिकों की जो समस्या है उस पर भी विचार नहीं करता, देश का जो मीडिया है सरकार की यदि किसी को सरकार की कोई आलोचना करता है, सरकार यदि किसी मामले में घिर गई है, तब देश के मीडिया के जो एंकर हैं एपिसोड बनाकर 24 घंटे ऐसे मुद्दों पर चर्चा करते हैं। लेकिन जब देश का संविधान खतरे में हो, देश का लोकतंत्र खतरे में हो, जैसा कि आपने देखा पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के 4 जज, जो कि इतिहास में पहली बार हुआ कि उन्होंने मीडिया के सामने आकर कहा कि लोकतंत्र को बचाना बहुत जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट में बहुत गड़बड़ चल रहा है, लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र खतरे में है, इसका मतलब क्या है? संविधान खतरे में है। जैसा सुप्रीम कोर्ट में गड़बड़ चल रहा है जजों के अनुसार, वैसा मेरा मानना यह है पूरे देश में गड़बड़ चल रहा है। जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार केंद्र सरकार में आई है, सत्ता में आई है, दिल्ली की सत्ता में आई है, तब से भारत के जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं और केंद्र सरकार के माध्यम से जो भी योजनाएं बन रही, जो भी कार्यक्रम बन रहे हैं, वो टोटल देश के विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा, जितने भी जो मूलभूत काम होते हैं सरकारों के, वो काम सरकार नहीं कर रही है। सरकार काम कर रही है कि लव जिहाद क्या है, घर वापसी क्या है, 4 बच्चे होने चाहिए कि 12 बच्चे होने चाहिए हिंदुओं के। उसके अलावा कहने का मेरा अभिप्राय यह है कि धार्मिक मुद्दों में यह सरकार उलझा रही है। इसका एक ताज़ा उदाहरण मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो लोग मध्य प्रदेश के हैं वे लोग जानते होंगे, 19 दिसंबर से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जो कि यहाँ के शिवराज सिंह चौहान हैं, उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में और सरकार के संरक्षण में एक आत्म यात्रा निकाली जा रही है। अब ये एक आत्म यात्रा क्या है, देखिए मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारत का संविधान आर्टिकल 25 अनुच्छेद 25 कहता है, भारत के हर नागरिक को अपने अपने धर्म को मानने की, उपासना करने की, प्रचार करने की पूरी आज़ादी होगी। ये भारत का संविधान कहता है आर्टिकल 25 के तहत। और भारत लोकतंत्र देश है और भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। और धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है वो भी यदि आपको बताना पड़े, सरकार को बताना पड़े जो संविधान की शपथ लेकर अपना कार्यभार संभालती है, तो शर्म का विषय है।
धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये होता है कि सरकार का किसी भी धर्म के प्रति लगाव नहीं होना चाहिए, ना उसका समर्थन होना चाहिए, ना उसका विरोध होना चाहिए। सरकार तटस्थ रहेगी, कहने का मतलब यह है कि सरकार का कोई धर्म नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं तो आप देखिए, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने लोकसभा में क्या कहा था संविधान के बारे में और धर्म के बारे में, धर्म ग्रंथ के बारे में, उसकी पूजा के बारे में, उसके बाद मैं आगे की बात करता हूं। देखिए, बहुत लड़ लिया हिंदू मुसलमान एक होकर के, हम गरीबी के खिलाफ लड़ाई, विविधता में एकता, यही हमारे देश की पहचान है, यही हमारी ताकत है। हमारा जो संविधान बना है वो हमारे भारत के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं की प्रतिबिंबित करने वाला संविधान है, और इस संविधान के मर्यादा में रह करके देश चल सकता है। किसी को भी संप्रदाय के आधार पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करने का अधिकार नहीं होता है। मेरी सरकार का एक ही धर्म है, मेरी सरकार का एक ही धर्म है, इंडिया फर्स्ट। मेरी सरकार का एक ही धर्म है, भारत का संविधान। मेरी सरकार की एक ही भक्ति है, भारत भक्ति। मेरी सरकार की एक ही पूजा है, 125 करोड़ देशवासियों का कल्याण। मेरी सरकार की एक ही कार्यशैली है, सबका साथ सबका विकास। और इसलिए हम संविधान को लेकर के, संविधान की सीमा में रह करके देश को आगे बढ़ा। तो देखा दोस्तों आपने कि देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा। भारत का जो संविधान कहता है कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, उस पर सीधा प्रश्न है, क्या भारत धर्मनिरपेक्ष रहा है, या भारत हिंदू राष्ट्र बन गया, या बीजेपी भारत को हिंदू राष्ट्र बना रही है। जी हां दोस्तों, मैं तो कहता हूं कि बीजेपी और आरएसएस का जिस एजेंडा कहा जाता है, उसी एजेंडे के तहत ये बीजेपी की सरकार प्रदेशों में और केंद्र में भी चल रही है। जैसा कि आपने अभी सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने, किसी ने याचिका दी है और सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया केंद्र सरकार को कि जो केंद्रीय विद्यालय हैं वहाँ पर सुबह सुबह जो प्रार्थना की जो विधि की बात कंपलसरी किया गया कि बच्चे वहाँ प्रार्थना करेंगे, वो प्रार्थना धर्म विशेष से रिलेटेड है, इसलिए किसी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी और याचिका के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है, 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी शिक्षण संस्थान में, ये भी भारतीय संविधान कहता है, किसी भी शिक्षण संस्थान में किसी भी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाएगी। शिक्षण संस्थान में या देश के नागरिकों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण कैसे बढ़े, ऐसे कार्यक्रम चलाने चाहिए। तो ये बात थी। आइए देखते हैं कि हमारे जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, वो कौन सी यात्रा कर रहे हैं, उसमें जो साधु संत हैं वो उस यात्रा के बारे में तो बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान की प्रशंसा कर रहे हैं, यानी कि आगामी जो 2018 में जो चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, वो धार्मिक तुष्टिकरण के आधार पर चुनाव लड़ने की तैयारी है, हिंदुत्व के आधार पर चुनाव लड़ने की तैयारी है, या क्या है, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर मैं आगे की चर्चा करूँ। राजधानी में आगमन हुआ। माननीय मुख्यमंत्री बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं, बहुत आध्यात्मिक विचारक हैं, उनके अंतर्दृष्टि एक संत महात्माओं से कम नहीं है, और इसलिए उनके मन में कभी नर्मदा सेवा यात्रा का विचार आता है। हमारे संत आज भी अनेकों वस्तुओं से कहते रहे, सिया राममय समी सृष्टि के कण कण में भगवान विराजमान, हर एक आत्मा परमात्मा का अंश है, हर एक घटना। तो दोस्तों आपने देखा वीडियो में किस प्रकार से साधु संत कह रहे हैं और सीएम साहब अपनी बात रख रहे हैं, पूरे अधिकारी कलेक्टर, मंडला के कलेक्टर है, मुस्लिम कलेक्टर, उन्होंने जो शंकराचार्य की जो चरण पादुका कहते हैं जिसे, उसे अपने सर पे रखकर, माथे पर रखकर उसकी अगवानी की। पूरे अधिकारी तकलीफ इस बात की है, हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि जितना भी आला
अधिकारी वर्ग है, कर्मचारी है, पूरा विभाग है मध्य प्रदेश शासन का, सरकारी अमला, वो पूरा सरकारी अमला जो है इस धर्म विशेष के कार्यक्रम में सक्रिय हो गया है। एक बात मैं क्लियर कर दूं कि आप किस धर्म को मानते हैं, मैं किस धर्म को मानता हूं, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी या अन्य पार्टी के नेता किस धर्म को मानते हैं, ये उनका या मेरा या भारत के नागरिकों का व्यक्तिगत मामला है। लेकिन यदि सरकार कोई भी कार्यक्रम धार्मिक आधार पर चलाए तो ये संविधान का उल्लंघन है। धर्म का प्रचार या धर्म के जो क्रियाकलाप है वो सरकार नहीं करेगी। यदि करेगी तो मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूं, आज शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, कल कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री बनेंगे और अपने शासन के तहत वे यदि मुस्लिम जो भी त्यौहार है जो भी उनके पैगंबर हैं, ताजिया का कार्यक्रम है या मुहर्रम का कार्यक्रम है, प्रदेश भर में अपने शासन के पूरे विभाग के माध्यम से चलाएंगे, तो आप बताइए कि आरएसएस या बीजेपी या विश्व हिंदू परिषद उस समय उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। यदि कोई ईसाई मुख्यमंत्री बनेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे और वे अपने अधिकारों के तहत और वे अपने जो उनके जो त्यौहार होते ईसाई धर्म के अनुसार, ईसाई रिलीजन के अनुसार, उन त्यौहारों को यदि शासकीय खर्च पर शासकीय जितने भी विभाग हैं सारे विभागों को उसमें इन्वॉल्व करके, स्वास्थ्य विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, पीएचई विभाग और जो महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षक, जो स्कूल में जो टीचर है, स्कूल उस दिन की छुट्टी, स्कूल के बच्चे, सारे लोग ऐसे कार्यक्रमों में यदि इन्वॉल्व होकर काम करेंगे तो आज मेरा एक ही क्वेश्चन है, केवल एक प्रश्न है, सरकार को हम या आप क्यों चुनते हैं? पूजा पाठ करने के लिए, भजन मंजीरा बजाने के लिए, भजन सुनने के लिए, घंटी घंटा बजाने के लिए, अजान करने के लिए या प्रेयर करने के लिए सरकार हम क्यों चुनते हैं? दोस्तों, हर नागरिक इसलिए वोट देता है कि मेरे मोहल्ले में, मेरे क्षेत्र में सड़क अच्छी होनी चाहिए, अच्छा स्कूल होना चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य की व्यवस्था होना चाहिए, अच्छा चिकित्सालय होना चाहिए। जैसा कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की सप्लाई के कारण हजारों बच्चे बेमौत मारे गए, तो सरकार का क्या दायित्व है कि दिए जलाएं कि सबसे पहले उन घरों में दिए जलते रहें, मासूमों की मौत ना हो, लोग स्वस्थ रहे, उसके लिए अच्छे से व्यवस्था करें, यही सरकार का काम है। सरकार का काम है देश की रक्षा कैसे रहे अच्छे से, देश अखंड कैसे रहे, देश में आतंक, देश में कोई भी वैमनस्य की भाव अगर हो रहे हैं उसको खत्म करने का काम सरकार का है। सरकार का काम है देश चलाना, प्रदेश सरकार का काम है अपने प्रदेश को सुचारू रूप से करना। प्रदेश या राष्ट्र की सरकार का ये काम नहीं है कि आप अपने शासन के माध्यम से धार्मिक त्यौहार मनाओ, आप कोई भी धार्मिक ऐसे काम में इन्वॉल्व हो जाओ जिससे जो अन्य धर्म के लोग हैं, जो यदि आपके हिंदू धर्म की उपासना जानते नहीं, विधि नहीं जानते, जो करना नहीं चाहते, देखिए हर व्यक्ति को दूसरे धर्म का सम्मान करना चाहिए, कोई किसी धर्म की निंदा ना करे, सब अपने अपना धर्म स्वयं स्वेच्छानुसार जैसा मना उसका पालन करना है, उपासना करना करे, ये अच्छी बात है। लेकिन सरकार भी, सरकार का एक धर्म है देश के जनता की सेवा करना, अपने प्रदेश की जो भी जनता है उनका उचित विकास करना, यही काम होता है। लेकिन आश्चर्य तब होता है जब विपक्ष में बैठी पार्टियां भी खामोश रहती हैं ऐसे मामलों पे। आप देख रहे हैं वी लव बाबा साहेब चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी बजाना ना भूलिए।